आज खेजड़ली दिवस है ना, आज खेजड़ली मेला भी रहा। तो भक्तों का ये कहना है आज खेजड़ली दिवस के लिए कुछ बोलो महाराज जी। चलिए मैं 2-3 मिनट के लिए बोलना चाहता हूं। विश्व के अंदर 3 चीजों के लिए मैंने झगड़े देखे हैं, जड़, जोरू और जमीन। इन तीनों के ऊपर झगड़े होते देखे हैं, लड़ाई होती देखी है, लेकिन सच ये है कभी हरे वृक्षों के लिए खून बहाता मैंने किसी समाज को नहीं देखा, खून बहाता अपने बिश्नोई समाज के लोगों को देखा सुना इतिहास में। धन्य है वो अमृता देवी वृक्षों की रक्षा के लिए। गुरु जी की एक बात गांठ से बांध ली। बीलो जी कहा करते थे, जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा, न काटो कभी हरा कोई वृक्षा। जहां तक हो सके वृक्षों की रक्षा करना, ये वृक्ष हमारा प्राण है। जिस दिन धरती पर वृक्ष नहीं होंगे उस दिन हम नहीं होंगे। ये वृक्ष रात और दिन हमको ऑक्सीजन देते हैं, और आपको पता चल गया इस वैश्विक बीमारी में कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है। सज्जनों, एक एक वृक्ष हजारों हजारों लोगों को ऑक्सीजन देता है। ये वृक्ष हमारा जीवन है। आओ हरे वृक्षों की रक्षा करें, आओ हरे वृक्ष लगाएं। आज हम खेजड़ली दिवस पर यह संकल्प लें कि हमारे बच्चे का जन्मदिन हो, हमारा जन्मदिन हो, हमारे पूज्य पिताजी माताजी की पुण्य स्मृति का कोई दिन हो, उस दिन हरे वृक्ष लगाएं और अपने शहीदों का हम सम्मान करें। सज्जनों, वो अमृता देवी जो बिलोना कर रही थी, आसी ने कहा, आसी रतनी और भागु 3 बेटियां हैं उसकी। बेटी ने कहा, मां लगता कोई बाहर के मीनक आए हैं, ये मनुष्य हमारे यहां के तो नहीं है, ये बाहर से आए हैं। मां हरे वृक्ष काटने की बात कर रहे हैं। दूध बिलोना छोड़, दही बिलोना छोड़ दिया, बाहर आई, पूछा तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, और ये हाथों में कुल्हाड़े क्यों। गिरधर राय अपना परिचय देता है, मैं अमुक राजा का महामंत्री हूं, महल बन रहा है, चूना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, हमने खेजड़ली में इतना बड़ा बाग है तो यही बाग कटवाना उचित समझा। उन्होंने कहा, इन वृक्षों को हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से लगाया, इन्हें हम भाई की तरह पालते हैं, इनकी छाया में बैठते हैं। हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि हम हरे वृक्षों की रक्षा करें, हरे वृक्षों को ना कटने दें, जीवों की रक्षा करें। ये हरे वृक्ष हम नहीं कटने देंगे। मां अमृता देवी ने ये सूचना एक गांव में नहीं, आप जैसे भक्त लोगों के माध्यम से 84 गांवों में, पूरे 84 गांवों के खेड़े में ये सूचना हवा की तरह फैल जाती है, और सारे विश्वई समाज के लोग जो वृक्ष प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, गुरुजी की आन बान को सिरोधार्य करते थे, अपने जीवन को तिनके के समान और 29 नियमों को, बिश्नोई धर्म को पहाड़ के समान मानते थे, ऐसे लोग झुंड के झुंड जाने लगे। सज्जनों, इधर बिश्नोई समाज के लोगों ने यज्ञ किया है, यज्ञ की ज्योति को प्रणाम किया है। हे जांबोजी हमें शक्ति देना, हे जांबोजी आज हम अपने धर्म का पालन करेंगे, भले ही हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं।
लेकिन वृक्षों को नहीं कटने देंगे। और सज्जनों आगे बढ़े, उधर जो सेना के साथ पेड़ काटने के लिए मजदूर आए थे, गिरधराय मंत्र के साथ वो आगे बढ़े, और तभी उस भीड़ का सीना चीरते हुए मां अमृता देवी ने जाकर एक वृक्ष को अपनी बाहों में ले लिया, जैसे कोई भाई बहन उसकी रक्षा करती है, ऐसे जाकर मां अमृता देवी ने वृक्ष को पकड़ लिया और कह दिया, इन वृक्षों के काटने से पहले तुम्हें मेरा शीश काटना होगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ये आत्मा है, जीव आत्मा है, तब तक मैं हरे वृक्षों को हाथ नहीं लगाने दूंगी। लेकिन गिरधर राय ने म्यान से तलवार निकाली, उस निर्दयी ने, उस निर्लज्ज ने, उस अभिमानी व्यक्ति ने आगे बढ़ा, वो हंसता हुआ चेहरा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा के लिए वो हंसी छीन ली, तलवार चली, मां अमृता देवी का शीश कट गया, शीश दूर जाकर पड़ा और मां अमृता देवी वृक्ष को पकड़े खड़ी रही। शरीर भला चला गया लेकिन अपनी प्रतिज्ञा आज पूरी की। हंसते हंसते भागु रत्नी आसी ने देखा, मां मां तो भगवान के घर को वीर हो गई, मां तो हंसते हंसते बलिदान हो गई, रत्नी भागु आओ हम भी अपनी मां के साथ अपने गुरु प्रण की प्रतिज्ञा लेते हैं। छोटी छोटी बालिकाएं जाकर वृक्ष को पकड़ लिया, पापी तूने हमारी मां को तो बलिदान कर दिया, लेकिन हम वृक्ष नहीं कटने देंगे। लेकिन पहले आंसू, फिर भागु, फिर रत्नी, उन तीनों बच्चों का भी शीश कतर दिया, शीश काट दिया। फिर क्या था, युवा बुजुर्ग नर नारी सभी भाव विभोर हो गए, अपना शीश कटा देंगे लेकिन वृक्षों को नहीं कटने देंगे। एक दो दस बीस, सौ नहीं, दो सौ नहीं, तीन सौ नहीं, 367 विष्णुओं ने अपना शीश कटा दिया, वृक्ष को नहीं कटने दिया। सज्जनों ये विश्व की अद्वितीय घटना है, ये विश्व का अद्वितीय इतिहास है, ऐसा इतिहास कभी पहला नहीं बना और संभवतः बाद में कभी ना बने। खून की नदी बहने लगी, गिरधर आकर सर चकराया, ये क्या हो गया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। सर चकराया, घोड़े से गिरा, गिरते ही प्राण छूट गए, पापी को दंड मिला। लेकिन जब राजा को पता चला इस कुकृत्य का, राजा लज्जित हो गया, राजा महल से निकला, चल पड़ा। विष्णु समाज की बड़ी भीड़ देखी, नर नारियों के चेहरे पर अश्रु बह रहे थे, बिलख बिलख कर रो रहे थे। राजा ने सब की ओर देखा, कुछ ना कह सका, अपने सर की पगड़ी उतारी, विष्णु समाज के चरणों में रख दी, इसका दंड मुझे दे दो, लेकिन मैं इनको लुटा तो नहीं सकता, अब ये बलिदानी वापसी तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ मैं आज एक सत्य विष्णु समाज के सामने तांबा पत्र लाकर लिख देता हूं कि आज के बाद जहां मेरा विष्णु समाज बसता है उस गांव में कभी कोई हरा वृक्ष नहीं काटेगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। जीवों की रक्षा होगी, कोई चूंकि हमारे सदगुरु समाज में हमारे संतों ने सुरजनदास जी पूनिया रावणावास के बिल्कुल पास में अपनी कुटिया बना के रहते थे,
राजा के मन में आया चलो शिकार खेलने चलते हैं। महात्मा जी ने समझ लिया है दुष्ट पापी शिकार खेलने आया है। उस राजा ने क्या देखा, कहीं 50 महात्मा पेड़ के नीचे बैठे, कहीं 20 महात्मा पेड़ के नीचे बैठे, कहीं 100 महात्मा इधर जा रहे हैं, कोई 100 महात्मा इधर जा रहे हैं। इतने महात्मा सर चकरा गया, इतने महात्मा या कोई भंडारा है क्या, है कोई मेला है संतों का, कुंभ का मेला लगता नहीं, कौन है ये। हार गया, चूंकि वो संत का शिकार नहीं कर सकता था। जब जाने लगा तो सुरजन दास जी पूनिया महापुरुष को देखा, महाराज जी को पूछा, महाराज जी सुनो क्या बात है, ये महात्मा कहां से आए और कहां जा रहे हैं। सुरजन दास जी पूनिया ने कहा ठहरो सब कुछ बता देता हूं। एक कांटा तोड़ा केरी का, कांटा तोड़ के कहा राजन अपना हाथ आगे तो करो, और जैसे हाथ आगे किया उनकी हथेली में जोर से वो कांटा चुभ दिया। राजा की चीख निकली, अरे महाराज क्या कर रहे हो, मुझे मृत्यु संकष्ट पीड़ा हो रही है। महात्मा ने कहा राजन छोटा सा हाथ में कांटा लगा तो पीड़ा हो रही है, और जब तू इन भोले भाले जीवों को गोली मारता है, किसी के कंठ में गोली लगती है, किसी के उदर में गोली लगती है, किसी के पीठ में गोली लगती है, वो तड़फ तड़फ कर अपने प्राणों को त्यागता है, उसको पीड़ा नहीं होती, कहना क्या चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं इनमें कोई महात्मा नहीं है, मैंने अपनी शक्ति से अपनी भक्ति से सब हिरणों को महात्मा बना दिया था, इसलिए आज ये सब महात्मा के रूप में विचरण कर रहे हैं। हमारे संतों ने, हमारे ग्रस्त समाज के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी धर्म की रक्षा करने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए, हरे वृक्षों की रक्षा करने के लिए। इसलिए सज्जनों आज भी हम उन महापुरुषों को याद करते हैं। आज ही का दिन था वो जब सूर्य का तेज निस्तेज हो गया था, धरती लाल हो गई थी, मानवता शर्मसार हो गई थी, जब ये लोग अपना शीश खुशी खुशी कटवा रहे थे, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे वृक्षों को मत काटना, वृक्षों को मत काटना, ये हमारे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, तो हमें उनका बलिदान नहीं भूलना चाहिए। हमें उनकी पुण्य स्मृति में हमेशा हरे वृक्ष लगाने चाहिए। अरे ये हमारे समाज का सौभाग्य है कि आज हमारे धर्म के पास, बिश्नोई धर्म के पास वृक्षों को लेकर बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण को लेकर बड़ा मुद्दा है, जीवों की रक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा है, इन पक्षियों की रक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा है। और आए दिन हमारे अखिल भारतीय जीव रक्षा के लोग कहीं ना कहीं वृक्षों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए आए दिन संघर्ष करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे भाई मोखराम जी धरनिया साहब को भी, उनकी टीम भी बड़ा अच्छा काम करती है अपने इस क्षेत्र में, सो धन्यवाद की पात्र हैं वो। पूरी अखिल भारतीय जीव रक्षा सभा भी हमारे साधुवाद की पात्र है, उनका सहयोग अखिल भारतीय बिश्नोई सभा भी यदा करता करती रहती है। अखिल भारतीय गुरु जम्बेश्वर सेवक दल के लोग भी इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं, सभी नर नारी लगे रहते हैं, अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता कि जीव हिरण गर्भवती है, शिकारी ने पीछा किया, बार किया शिकारी ने, हिरनी घायल हो गई, उसी अवस्था में उसने प्रसव पीड़ा की, एक सावक को जन्म दिया, हिरनी मर चुकी थी। ये दृश्य अपनी आंखों से इस बिश्नोई ने देखा, ये बिश्नोई की बेटी इसने देखती रही, अंत में उस सावक को आके उठा लिया। अभी कुछ दिनों पहले ही इस महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन मुझे कहते समय गर्व होता है, उस महिला ने एक आंचल का दूध अपने बेटे को पिलाया और एक आंचल का दूध हिरण के बच्चे को पिलाकर जन्म दिया। अद्वितीय घटना, पूरे विश्व के लोग हिल गए,
ये होती है जीवों के प्रति प्रेम, ये होता है विष्णुई धर्म, ये होती है विष्णुई जाति जिन्होंने। और ऐसा ना होता तो मेरे देश का पीएम ये कभी नहीं कहता, मुझे गर्व है मेरे देश में एक ऐसी बहादुर कौम रहती है जिसको विष्णुई कहा जाता है। देश का प्रधानमंत्री भी इस कौम के लिए, इस कौम की बहादुरी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। हम उस देश में रहते हैं, हम उस समाज में जन्मे हैं, यहां हमें जीवों की रक्षा के लिए कोई ट्यूशन नहीं लेना पड़ता, हमें कोई किसी सेंटर में नहीं जाना पड़ता, हमारे खून में ही जीवों की रक्षा का भाव है, वृक्षों की रक्षा का भाव है और हमेशा रहेगा। इसी के साथ 29 इस आज कथा के दूसरे दिन 363 विष्णुइयों को पूरे समाज के साथ मिलकर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, वाक्यांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ एक मिनट के लिए सब सीधे होकर बैठे, श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि भी दे और उनसे सीख भी ले। बोलो विष्णु भगवान की जय। शांत होकर बिल्कुल मन ही मन में प्रार्थना करें, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हम उनके बताए मार्ग पर चले, हरे वृक्ष लगाएं, जीवों की रक्षा करें। हमेशा माँ अमृता देवी व 363 विष्णुओं का ये बलिदान हम कभी ना भूलें। हे परमात्मा जम्भेश्वर भगवान, उन सभी को अपने चरणों में अपने निवास दिया, हमारे विष्णुई समाज का गौरव बढ़ाया आप सभी ने, आपको सत सत नमन, आपको सत सत प्रणाम, आपको कोटि कोटि नमस्कार। इस भाव से ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसी के साथ आज का कार्यक्रम